अब कुछ ही दिन के अंदर बकरीद आने वाला है। बकरीद आने में ए टू जेड सर, लास्ट आगे साल में यही कार्यक्रम हुआ था, उस टाइम हमारे पूर्वतन चेयरमैन श्री गिरीश पटेल जी, जिन्होंने अपने प्लेयर में गोहत्या बंद कर दी थी, उन्होंने डायरेक्ट रेजोल्यूशन पास किया था काउंसिल में कि संबलपुर शहर में और गोहत्या नहीं होगी, ना ही कोई लाइसेंस बनेगा। तो उन्होंने जब करने के बाद में फिर वो चीज़ को बार बार वही गोहत्या थे बिना परमिशन का पुलिस के साथ मिलके, और ये हमेशा गोहत्या बढ़ती रहती है, जितना बोलने से कोई सुनने वाला नहीं। आज फिर हनुमान जयंती समिति की तरफ से एक विशाल मीटिंग हुई है। सर आज जो मीटिंग हो रही है इसके बारे में बताइए। गोहत्या के विरुद्ध में श्री हनुमान जयंती समन्वय समिति तथा हमारे भारतीय जनता पार्टी के संबलपुर में बहुत सालों से आंदोलन करते आ रही है। गत वर्ष बकरीद के पहले जिस आंदोलन की रूपरेखा हमने तैयार की थी, उस रूपरेखा से डर के प्रशासन ने हनुमान जयंती कमेटी के साथ में आश्वासन किया था और हमको प्रतिश्रुति दिया था उसमें कि हनुमान संबलपुर में बहुत ही बंद करवा देंगे। हमने बंद भी हुआ, बहुत दिन तक बंद भी चला, कभी कोई इधर उधर कोई एक गए कहाँ काट लेता था, हल्की बादल प्रशासन का प्रशासन बंद हुआ था। संबलपुर में जिस जिले में गाय का वध होता है, गोहत्या होती है, मोती जिला है, सोनापाली है, उस एरिया में एक पुलिस कैंप लगा के बैठे थे, पेट्रोलिंग करने के वहाँ पे गाड़ी को छोड़ा गया था मोटरसाइकिल में, चार चार मोटरसाइकिल में, तो दो महीना हो गया सब बंद हो गया है। तो प्रश्नवाची होता है भी प्रतिश्रुति देते हैं बंद करने की इच्छा सकते तो उसको फिर क्यों उठा बंद पुलिस क्यों वहाँ से विड्रो कर रहा है। अभी ये लास्ट दो महीना हो गया, ये दो महीना के टाइम से हमको पूरा कंटिन्यू, पहले 10 गाय कटनी चालू हुई, फिर 20 गाय कटनी चालू हुई, अभी शताधिक संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर गाय के वध हो रहा है। बीच में षष्ठी का कार्यक्रम था, आपको मालूम है सदस्य यात्रा थी, हम नहीं चाहते थे जब भीड़ का टाइम में कोई यहाँ पे मैंने असुंदर जगह हो, कोई असुविधा हो बोल के, कॉमनर यहाँ पे कोई ऐसा झगड़ा हो बोल के हम नहीं चाहते थे। लेकिन आज हम देखिए अभी फिर बकरीद है, 10-11 से बकरीद है, अब 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, हमारे पास उस एरिया से मैसेज आ रहा है कि कम से कम 500 या 600 गाय को रखा गया है, जिसका उनको निष्पत्ति लेकर उनको बकरीद के दिन में गाय का वध करेंगे। और आपको जान के मैंने अच्छा जो होगा, भारतवर्ष के दो बड़े बड़े जो उसके मौलवी हैं, जो बड़े बड़े उसके जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने भी कहा है कि आज के दिन में गाय का बलि देने का कोई कारण नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये अपना मैंने पीछे नहीं हट रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये बारंबार चैलेंज करते हैं, अल्पसंख्यक होते हुए बहुसंख्यक को यहाँ पे चैलेंज कर रहे हैं लोगों, तो ये अच्छी परिस्थिति नहीं है। अभी पूरा भारतवर्ष में जिस समय कॉमनल राइट चल रहे हैं तथा हिंदू मुसलमान का जब चल रहा है, यहाँ पर लोकल प्रशासन का दायित्व होता है इसको कैसे करके वो लोगों कंट्रोल किया जाएगा सर, संभाले बोल के, ये मुझे नहीं लग रहा है प्रशासन इसमें थोड़ा पूरा ध्यान दे रहा है, बोल के कर रहे हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। आज बांग्लादेश की बात है, बांग्लादेशियों की बात है, अब देखिए बांग्लादेशियों की बात में 2 दिन पहले विधानसभा में वो मंत्री महोदय ने कहा से रिपोर्ट कलेक्ट करके दिया है कि पूरा उड़ीसा में 3,700 खाली बांग्लादेशी है। कितना हजार बोले? 3,700 सर, लेकिन संबलपुर तो 10,000 बोला, 10,000 के ऊपर है। हमारे जानकारी में संबलपुर में 7-8,000 है, 10 के प्लस है सर, प्लस हो गए, ज्यादा कम नहीं हो गए। तो और संबलपुर उसमें नील दिखा रहा है, संबलपुर में कोई बांग्लादेशी है बोल के उसमें नील दिखा रहा है। तो आज से जो 30-35 साल हो गया हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं बांग्लादेशी के विरुद्ध में, तो हम लोग उनको जो बोले गलत बोल रहे हैं क्या प्रशासन, इसको हमारी बात को गलत करने के लिए वो एक वोट बैंक तैयार कर रहा है। सबको मालूम है जी इस कमेटी के आदमी किसको वोट देते हैं, तो वोट बैंक तैयार करने के लिए उसको पूरा प्रश्रय दे रहा है। पर आज देखिए संबलपुर में जितनी भी दादागिरी हो रही है, क्राइम्स हो रहे हैं, क्रिमिनल हो रहा है, जो 70-80% भागीदारी वो लोगों का है, मैंने बांग्लादेशी मुस्लिम लोगों का है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, संबलपुर के भी जो पुराने जो अपने यहाँ पे जो बंधु है मुस्लिम भाई वगैरह जो है, जो बहुत से लोग यहाँ पे सैकड़ों साल से यहाँ पे रहते हैं, वो लोगों भी उन लोगों से त्रस्त हो चुके हैं, उसकी दादागिरी उन लोगों के ऊपर भी होती है। तो ये परिस्थिति है, पहले तो हम कंडम करते हैं कि जो मंत्री मोदी बोले पूरी गलत बात है, और संबलपुर में इसके लिए पर एक स्पेशल इंक्वायरी होना चाहिए,
और बारंबार हमको बोल रहे किसान हो गया यहाँ पे बांग्लादेशी है बोल रहे सर, ये तो करीब 8-10 साल पहले बोला, आप ही बोलते थे, आज भी चल रहा है, 20 साल हो गया बोल रहे हैं। तो इसका एक यहाँ पे सर्वे कराना चाहिए, डोर टू डोर प्रशासन के तरफ से जाना चाहिए। जो देश के आदमी नहीं है, आज देख लिया, पाकिस्तान बॉर्डर में घुसते तुमको गोली मार देंगे ना, बांग्लादेश में बॉर्डर में घुसेंगे तो गोली मार देंगे। कोई उसका कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई पूछने वाला कोई नहीं है, तो बॉर्डर क्रॉस किया बोलो से मारता हूँ। तो ये तो हजार आदमी यहाँ पे बैठे हुए, उसको बोलने वाला कोई नहीं, उल्टा प्रशासन की तरफ से उसको सपोर्ट किया जाता, हेल्प मिल रहा है उसको। ये दो विषय वस्तु है, और एक विषय वस्तु के ऊपर मैं खास करके जाना चाहता हूँ। नूपुर शर्मा के ऊपर में जो घटना घटी है वो सुप्रीम कोर्ट है पार्टी वाले उस ऊपर में विचार कर रहे हैं, लेकिन संबलपुर में नूपुर शर्मा का विरोध करके कुछ आदमी मुस्लिम कम्युनिटी के एक यहाँ पर रैली करना चाह रहे थे। जी सर, वो कैंसिल हो गया था, कैंसिल हो गया, पीछे की बात है। वो जो रैली करना चाह रहे थे, ये भारतवर्ष में एक या दो संस्था ऐसी है जो नूपुर शर्मा का केस को लेके और एग्रेसिव है मुस्लिम कम्युनिटी में। तो वो जो संस्था है, उस संस्था का ये लोगों से जो यहाँ करने वाला था, उसका कितना उस संस्था के साथ में लिंक है, इसका जरूर पुलिस प्रशासन को इंक्वायरी करना चाहिए। तथा जो ये कौन सी संस्था है, आपके आइडिया में कौन सी संस्था हो सकती है, सबको मालूम है, पता चल जाएगा। फिर भी नाम कोई कुछ तो होगा सर, नाम है मैं बताऊंगा आपको, तो बताएंगे ना थोड़ा, प्रशासन खोजे उसको। नहीं नहीं, आपका आइडिया में कौन सा है, प्रशासन उसको खोजे, सब जगह चर्चा का विषय है। खाली अपने को इतना देखना है कि इसके साथ उसका कोई लिंक नहीं है, तो नहीं है तो बहुत बात है, हम हमेशा सोचेंगे उसे मन में आक्रोश था, वो एक रैली कर रहे थे तो माफी के लायक है, वैसे तो कुछ नहीं है। और उसका संस्था के साथ में लिंक निकलता है और ये चीज कर रहा है, तो विषय वस्तु माफी के लायक नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने गिरीश भाई से कई प्रकार की बातें सुनी, वो कहते हैं कि जब भी बकरीद आता है हम लोग कितना कंट्रोल करते हैं, हमेशा सुबह 5 बजे से उठ के भी काम करते हैं, फिर भी कुछ दिन तो प्रशासन का कड़ाई होता है, फिर वो नॉर्मल, आज भी वही चीज़ हो चुका है। और वो कहते हैं हम तो 3-4 साल 5 साल पहले लिस्ट दिए थे सरकार को, 7-8 हज़ार बांग्लादेशी है, लेकिन आज के दिन में विशेष सूत्र से मालूम पड़ता है 10,000 के प्लस हो चुके हैं बांग्लादेशी, क्योंकि जब भी बकरीद आता है, ईद आता है, ये लोग गाड़ी भर भर के अपने गांव जाते हैं। यदि उनको ही गिनती कर लिया जाए तो कई लोग आपको नज़र में आएंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर, जसवीर सिंह की रिपोर्ट।